दोस्तों अभी हम आपको रुद्राक्ष दिखाएंगे, जो रुद्राक्ष फल होता है उसके अंदर से निकलता है, कैसे निकालते हैं वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, इनमें एक नेपाली एक इंडियन है, ये इंडियन है वो नेपाली। ये देखो भैया, ये है नेपाली रुद्राक्ष। अच्छा, नेपाली फल होता है, तीन मुखी है भैया इंडियन रुद्राक्ष हमारा होता है। अभी जोर से मर्जी एक मुखी भी निकल सकता है। भैया कुछ भी निकल सकता है रुद्राक्ष ले। हां भैया, ये भैया नजर बंद आ रही है भैया, घर के बाहर टांगा जाता है शनिवार के दिन, नजर नहीं लगती भैया, घर में कहां से हो रही है। आ भैया रुद्राक्ष की माला लेके जा भैया, बन लेके जा भैया शनिवार के दिन भैया। ये सर ये एक लिया है, हैं दबस दे लो भैया। कौन सी 14 मुखी माला है भाई? 14 मुखी नहीं है भैया, यहाँ कहाँ 14 मुखी की माला, 14 मुखी एक दाना भी करना 40-50 रुपए का नहीं है, 11 ज्यादा महंगा आता है वो तो। कितना मुखी? 5 मुखी। लेके जा भैया रुद्राक्ष का फल, पूरा कर दो ना, आधे कर दो, घर में करने कोई दिक्कत नहीं है, कर दो ना भी कर दो, कर दो। लेके जा भैया रुद्राक्ष ले रहे हैं, 5 मुखी निकला है, फल लेके जाओ। हेलो, पंचमुखी कच्चा है, कच्चा ना ये है पंचमुखी, कोई भी निकल सकता है, देख ले इसके कौन सी राशि के लिए क्या कुछ है, कोई भी पहन सकता है। पंचमुखी रुद्राक्ष पंचमुखी निकला, पंचमुखी कॉमन दाना था, माला पंचमुखी की होती है, पंचमुखी निकला। लेके जा भैया रुद्राक्ष, लेके जा भैया माला, हटा जाना। ये पंचमुखी निकला है यहाँ से रुद्राक्ष, और कितने का? 3 ये नजर बन आ रही है, 3 मुखी है, 5 मुखी है, अभी पता लगेगा। अभी ये 3 मुखी 3 ने लागे तो मैंने 7 3 कितना भाई? तीन मुखी निकला है, 5 मुखी हमने ले लिया है, हैं? अब अमित ने एक और लिया है, ये ढाई देख लें, ये तो भाई छोटा बिल्कुल, 10 का ये देखो, 1 मुखी 3100 रुपए का। अपने पास 1 मुखी है ना, तीन ये भी 3 बस रही बस, ये चाहूँ कहते सिंपल नीचे मिला होगा, कर 3 मुखी होगा। अब ये विशाल ने कैश लेके जाओ, माला लेके जाओ, फल लेके जाओ, 3 मुखी ये 3 मुखी रुद्राक्ष निकला है, 3 मुखी है ना? हाँ भाई, है ना, पता चल गया मेरे को, 5 मुखी विष्णु जी का वास होता है इसके ऊपर।